हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। आइए इस क्वेश्चन की इस वीडियो में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन ग्रीन ओलंपियाड की कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपने ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे ये स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो आपको इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो जैसा देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ बाथिंग। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और उन चार ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि नहाने का यानी कि बात करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली वे की अगर बात करें उसके अंदर। तो फिर सबसे पहले ऑप्शन ए में आपको बताया जा रहा है कि शावर फॉर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट तक शावर लेना, यानी कि जो हम लोग नहाते वगैरह है वॉशरूम में जाकर के, तो 10 मिनट तक अगर आप टैब के नीचे जैसे शावर के नीचे बैठ के नहा रहे हैं तो ये बेस्ट वे आपको ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ऑप्शन बी में आपको बताया जा रहा है यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर, कि आप बाल्टी भर करके पानी से जो नहाते हैं ये बेस्ट वे है। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि शावर फॉर 8 मिनट्स, यानी कि आप 8 मिनट तक शावर के नीचे नहा करके जो तैयार होते हैं एक तरह से, तो ये बेस्ट वे आपको बताया जा रहा है। लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि सिटिंग अंडर द टैब फॉर 5 मिनट्स, कि जो टैब होता है हमारे वॉशरूम के अंदर उसके 5 मिनट तक उसे ऑन करके चालू करके उसके नीचे अगर हम नहाते हैं तो ये बेस्ट वे है। तो ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ बाथिंग कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर सही आंसर की बात करें तो ये जो ऑप्शन बी आपको दे रखा है कि आप एक बाल्टी भर लीजिए और उसके बाद नहाना स्टार्ट करिए, ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि बाकी जो तरीके हैं इन सब के अंदर पानी ज्यादा बर्बाद होता है, लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें हम लोग बहुत कम पानी बर्बाद करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका नहाने का है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द नेम फॉर एनर्जी दैट डज नॉट रन आउट और गेट फिनिश्ड। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एनर्जीज आपको दे रखी है जिसमें से आपको एक ऐसी एनर्जी आइडेंटिफाई करना है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि फॉसिल एनर्जी, जैसे ह्यूमन बींग या फिर कोई एनिमल या कोई स्पीसीज जब मर जाती है तो जमीन में जाकर के जो फॉसिल एनर्जी इसकी बन जाती है, ये आपको ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है कि कमर्शियल एनर्जी जो होती है ये लॉन्ग लास्ट होता है, यानी कि ज्यादा टाइम तक रहती है। और उसके बाद ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे धूप से जो हम लोग सोलर से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं या फिर जो विंड वगैरह से एनर्जी क्रिएट करते हैं, इस टाइप की एनर्जी को यहाँ पे बताया जा रहा है एज ए रिन्यूएबल एनर्जी। और लास्ट ऑप्शन में आपको डी में आपको बोला जा रहा है कि न्यू एनर्जी। तो ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए, इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ जो सी ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ये ज्यादा टाइम तक रहेगी। ठीक है, तो इसको यूज हमें करना चाहिए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर सी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें एक इलनेस या डिसीज के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विच डिसीज विल यू गेट इफ यू ईट फूड दैट इज नॉट कुक्ड एंड सर्व्ड इन क्लीन कंडीशन। कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा डिसीज या इलनेस है जैसे जो कि हमारे खाना खाने से, यानी कि अगर वो प्रॉपर कुक्ड नहीं है और क्लीन नहीं है, यानी कि उसके अंदर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है और प्रॉपरली उसे कुक नहीं किया गया है, तो हमें ये डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है डायरिया, ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है मलेरिया, ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि वायरल फीवर, और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है रेड स्वेलन आइस। तो ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए, यहां आपको आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन के भी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जैसे हम लोग कई बार घर से बाहर जब खाना खाते हैं तो वो खाना जो होता है प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता है या फिर ये हाइजीनिक नहीं होता है, क्लीन फूड नहीं होता है, क्लीन कंडीशन में नहीं होता है, और इसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा किसी न किसी को डायरिया होते हुए। तो डायरिया होने की ये दोनों वजह है कि अगर फूड को अच्छे से कुक ना किया जाए या फिर उसे क्लीन इन्वायरमेंट में नहीं रखा जाए, यानी कि गंदी जगह पे और प्रॉपरली अगर कुक्ड फूड नहीं है तो डायरिया होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली हु इज वेल नोन ऑर्थोनोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक पर्सन जो कि डॉक्टर सलीम अली जिनका नाम है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि एक अच्छे जाने पहचाने ऑर्थोनोलॉजिस्ट हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस फील्ड से एसोसिएटेड है, उस फील्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ई में आपको बोला जा रहा है कि स्टडी ऑफ मैमल्स,
और ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है स्टडी ऑफ बर्ड्स, और लास्ट ऑप्शन सी डी में आपको बोला जा रहा है कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये चार ऑप्शंस आपको इस क्वेश्चन के आंसर में दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि ऑर्थोनोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो वो लोग बर्ड्स की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर, देखिए ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिटेल में कि फोर आर्स के बारे में। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप अवर सराउंडिंग फ्री ऑफ वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वी टर्म एज द बेस्ट आउटकम ऑफ अडॉप्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ फोर आर्स। देखिए पहले फोर आर्स क्या है पहले इसको जान लेते हैं। फोर आर्स में से रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकिल, ये फोर आर है। अब ये जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं फोर आर्स की, किस चीज को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं, किस चीज का ये बेस्ट आउटकम के लिए हम यूज करते हैं, किस फील्ड में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है। तो पहले आपने क्वेश्चन को समझा, इसमें फोर आर का हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं किस चीज के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है वी प्रोटेक्ट अवर हाउस होल्ड्स फ्रॉम डिजास्टर, कि अपने घर वगैरह को हम किसी डिजास्टर से बचाने के लिए फोर आर की जो टेक्निक है इसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, इसको हमने अडॉप्ट कर रखा है। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए हम फोर आर की प्रैक्टिस करते हैं। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि वी डिस्ट्रॉय द प्लांट्स सराउंडिंग अस, कि जो हमारे आसपास में जो प्लांट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम फोर आर टेक्निक का यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है वी जनरेट द वेस्ट दैट गेट्स बिल्ड अप, जो भी वेस्ट वगैरह है उसको जनरेट करने के लिए एक तरह से ये एक तरह से मेथड हम यूज करते हैं। तो ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, चारों में से आपको करेक्ट वो प्रैक्टिस यूज करने हैं जिसके लिए हम लोग फोर आर की ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन बी दे रखा है आपको, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए हम लोग फोर आर की जो टेक्निक है इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज और रिसाइकिल के जो छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं इसे हम फॉलो करते हैं ताकि हम नेचुरल रिसोर्स को ज्यादा टाइम तक हम लोग यूज कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख करके भी आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम चैनल पर ला सकूं। और हाँ, मेरा इस चैनल को यानी कि मिस्टर कृष्णा शाह जो कि मेरे नाम से चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके अलावा जो मेरा मेन चैनल है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, यहां मैंने ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड आपके लिए प्लेलिस्ट भी शेयर कर रखा है और ऐसी और वीडियो का लिंक भी शेयर कर रखा है जिसे आप देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय।